जमात चौथी विशा वातावरण सिख्या पाठ 12 चुंझ अते दंद। बुरश करदे समय शीशे विच की कदी तुसी अपने दंदां नूं ध्यान नाल वेख्या है कि ये सारे इको जिहे नज़र आउंदे हन? नहीं, ये वख-वख किस्मां दे हुंदे हन। ते अज असीं पढ़ांगे दंदां दीआं किस्मां, उहनां दे कम्म ते उहनां दी गिणती बारे। दंद चार प्रकार दे हुंदे हन। दंदां दी किस्म, उहनां दा कम्म अते उहनां दी गिणती अलग अलग हुंदी है। अते अज इस मॉडल दी मदद नाल असीं जाणांगे दंदां दीआं किस्मां ते उहनां दी गिणती बारे। सब तो पहला सामने दिखण वाले ये चपटे दंद, जिन्हां दी इक जबाड़े विच गिनती चार अते कुल गिनती अठ हुंदी है, ये भोजन नूं कट्टण दा काम करदे हन। सो साडी पहली किस्म दे दंद हन। अगले दंद ये भोजन नूं कट्टदे हन ते इहनां दी गिनती है अठ। अगले दंदां तों बाद जबाड़े विच तिखे दिसण वाले दंद हुंदे हन, जिन्हां नूं सूए दंद कहा जाता है। इन्हां दी एक जबाड़े विच गिनती दो अते कुल गिनती चार हुंदी है अते ये भोजन नूं पाड़दे हन। सो साडी अगली किस्म दे दंद हन सूए दंद। ये भोजन नूं पाड़दे हन ते इन्हां दी गिनती है चार। सूए दंदां तों बाद जबाड़े विच दो दो अगर जाड़ां हुंदियां हन अते इन्हां दी कुल गिनती मूंह विच अठ हुंदी है ते ये भोजन नूं चबौंदियां हन। सो साडी अगली किस्म दे दंद हन अगर जाड़ां, भोजन नूं चबौंदे हन अते इन्हां दी गिनती हुंदी है अठ। अगर जाड़ां तों बाद जबाड़े विच ये वड्डे आकार दीआं जाड़ां हुंदियां हन, जिन्हां दी इक जबाड़े विच गिनती छे अते मूंह विच कुल गिनती 12 हुंदी है ते ये भोजन नूं बरीक करदियां हन। सो जाड़ां भोजन नूं बरीक करदियां हन ते इन्हां दी गिनती हुंदी है 12। आओ करिए अभ्यास प्रश्न 5 मिलान करो, जिस विच एक पासे तुहानूं दंदां दीआं किस्मां दित्तियां गईआं हन ते दूसरे पासे उहनां द्वारा कीते जांदे कम दित्ते गए हन। ते असीं मिलावांगे दंदां दीआं किस्मां नूं उहनां द्वारा कीते जांदे कम्मां नाल। सब तों पहलां अगले दंद। अगले दंद भोजन नूं कटदे हन। बिल्कुल ठीक, अगले दंद भोजन नूं कटदे हन। सूए दंद तिखे होण करके भोजन नूं पाड़दे हन। सूए दंद भोजन नूं पाड़दे हन। अगर जाड़ भोजन नूं हांजी चबौंदे हन। जाड़ भोजन नूं ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਲਗ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਰਿਆ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੇ ਪੈਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ।